ये देखो जी, यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए कावेड़ में। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ पर हैं जी इनके टीचर, जिनसे कुछ जानकारी लेते हैं वैली के बारे में और इनके कल्चर के बारे में। बाकी बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं वहाँ पर, देखो गाने वगैरह भी गा रहे हैं जी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। मोहम्मद इसाक। इसाक, ओके। तो वैली तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो आपने देखा है यहाँ की ये जो वड़वन है। हाँ। पूरा वड़वन ये कितना खूबसूरत है। बहुत। तो अभी हम यहाँ पे पिकनिक के लिए आए अपने बच्चों को, यहाँ पे हमारा मिडिल स्कूल है। हाँ। हम यहाँ आज पिकनिक के लिए आए हैं, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश है आज। तो ये जो जहाँ पे हम पिकनिक के लिए आए हैं, इसका नाम है कावेड़ वड़वन। कावेड़ वड़वन, हाँ। ये जो ये यहाँ पे एक आइलैंड है, आप समझो अंडर पाइन ट्रीज, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा खुश है। और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये जो पिकनिक होता है इससे बच्चे भी थोड़ा बहुत इनको सीखने के लिए कुछ मिलता है। बिल्कुल। उधर देखो मुजफ्फर भाई वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का। ये बताओ बोल क्या रहे हो? नहीं बोल क्या रहे हो, वीडियो क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे क्या गा रहे हैं ये। अच्छा एक मिनट, क्या? अरे नहीं, लग जाएगी चोट, लग जाएगी। अच्छा ये बताओ बोल क्या रहे हो, मतलब भाषा में क्या बोल रहे हो? हिंदी आता है। तो अभी क्या बोल रहे थे, वीडियो वाले? धक्का नहीं देना, चोट लग जाएगी। धक्का नहीं, चोट लग जाएगी। वीडियो वाला? अच्छा ओके। ये बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। أشجارك والتراب ليك الهنا والأمان ليك القوة يا وطن عانيت من ظلم وفساد كفاك حارب وخراب شوقنا يزيد في الشتات وبالنا فيك يا بلاد حلمنا يزيد بالسلام ملينا منه أجيالك فيها الأمل تبنيك جديد يا وطن. हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों, आज का व्लॉग भी शुरू हो रहा है वारवान वैली से। और कैंप साइट का नाम मैं भूल गया हूँ, एक मिनट पूछ लेता हूँ, क्या नाम था कैंप साइट का नाम? इको रिजॉर्ट करके ना। ओके, वारवान इको रिजॉर्ट करके है, ब्यूटीफुल है। दो दिन से मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, अपना ये टेंट इन्होंने यहाँ पर लगा दिया था रिक्वेस्ट पर, क्योंकि वहाँ पर बाइक ले जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि पत्थर है, फिर शाम को पानी ज़्यादा आ जाता है। बाकी आज हम जा रहे हैं मारवा वैली, और ये दो भाई लोग हैं, इस भाई का नाम है बिलाल और तुम्हारा मुदस्सिर। तो इन्होंने बहुत खातिरदारी करी यार, वहाँ से खाने का सामान, फिर कंबल वंबल, मतलब उस नदी को क्रॉस करके बार बार इधर लाना पड़ रहा था, तो इस चीज़ के लिए इनको दोनों को थैंक यू। तो अब निकलते हैं मारवा वैली के लिए। बाकी वारवान वैली बहुत ही खूबसूरत है, अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और इनफैक्ट जो सीरीज़ चल रही है ये जम्मू एंड कश्मीर सफ़रनामा, पूरी देख लेना, मज़ा आएगा आपको। और आज हमारे साथ जा रहे हैं बिलाल भाई। टाइम क्या हो गया? टाइम 9:55
लैंग्वेज देख रहे हो, नौ पचपन जाओ, और सिक्स को यहाँ पर बोलते हैं सिकस, सिकस है ना। चलो लेट्स गो। टाइगर तैयार हो चुका है, यहाँ पर मैंने एक टावल बांध दिया जिससे कि बिलाल भाई के पीछे बैक में लगे ना। आज पैंट दूसरी पहन ली है मैंने यार, राइडिंग पैंट नहीं पहनी क्योंकि यार काफ़ी दिनों से राइडिंग पैंट पहन रहा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा चेंज किया जाए। बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? बंद कर देना वो पूरा। चलो जी, जय माता दी, आज का सफर किया जाए शुरू। यो हा 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 हा, अब हवा लगी। ये है जी विलेज लाइफ, ये देखो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जितने भी घर है उसमें कोई लाइट नहीं आती है, सिर्फ सोलर पैनल से काम चलता है। सबके घरों में सोलर लगा हुआ है, देखो स्ट्रीट लाइट पे भी सोलर लगा हुआ है। हाँ, किस चीज़ की खेती है ये साइड में? मक्के की ना। हाँ कल मैं देख रहा था, बनते हो राजमा बनते हो। अच्छा मक्की और राजमा, ओके, तो दोनों साइड खेती हो रखी है। बिलाल भाई बता रहा है कि मक्की और राजमा की खेती है, बढ़िया। और यहाँ के राजमा ना काफ़ी फेमस है। ये लोग भी पहलगाम से घूमने आए हुए थे यहाँ पर। तो मारवा वैली यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा अपना वो 80-85 किलोमीटर हो जाएगा आना जाना। बाकी यहाँ पर टैक्सी से भी आप आ सकते हैं मारवान वैली, मतलब श्रीनगर से आपको टैक्सी मिल जाती है। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार आप जहाँ मर्जी बेधड़क होकर घूम सकते हैं। ये गुंदुम है। गुंदुम क्या? कनक जिसको कहते हैं। वो क्या होता है? इसकी रोटी खाती है। गेहूँ? अच्छा गेहूँ, गुंदुम गुंदुम बता रहा भाई। कि गुंदुम गुंदुम बोलते हैं यहाँ पर गेहूँ को। अच्छा तो अभी बिल्कुल खेतों के बीच में से निकल रहे हैं और ऐसी फील आ रही है ना मस्त वाली, मतलब गांव की गलियों में घूम रहे हैं हम, लेकिन प्लेन्स वाली नहीं पहाड़ों की गलियों में। सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आपने पिछले दो तीन व्लॉग देखे होंगे कितने सुंदर सुंदर नज़ारे मैंने आपको दिखाए हैं। छोटे छोटे गांव के जो नाम है काफ़ी खूबसूरत है, इंशान ब्राइन रिकी निवास, अलग अलग नाम है यार, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, जो कि पहले कभी मैंने सुने ही नहीं, ना शायद आपने सुने होंगे। पहले मैं सोच रहा था कि मारवा वैली को यार छोड़ देते हैं, निकल जाता हूँ मैं श्रीनगर वगैरह, लेकिन फिर ये भाई बोला कि भाई आए हो तो घूम के चले जाओ, फिर पता नहीं कब आना होगा। तो यहाँ से लेना है राइट, अगर सीधा जाएंगे तो सुखनई विलेज वगैरह पड़ जाएगा जहाँ कल गए थे हम, और ये वाला रास्ता जाता है मारवा। ऐसा करते हैं फटाफट भगाते हैं मारवा वैली के लिए, फ़ोटोग्राफी वगैरह थोड़ी सी करेंगे वापसी के टाइम। कभी जंगल आ रहे हैं कभी कुछ आ रहा है, ये देखो जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल। ये तो आ गया कोई पुल, किधर जाना है, सीधा या पुल पे? पुल से जाना है, पुल से। एक पुल टूटा हुआ है, पहला वाला। ये कैसे टूट गया है? ओ भाई साहब ये तो खतरनाक सीन है, हैं? ये देखो पूरा पुल टूटा पड़ा, नदी में गिरा हुआ है भाई। ये ख़राब रोड ख़त्म नहीं हो रहा बिल्कुल भी, उछल उछल के पेट में मरोड़ हो रहे हैं।
कहाँ जंगलों में भटक रहे हैं हम मारवा वैली के लिए, इधर से निकलते हैं। चलो 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 मारवा वैली, अबे चलो कहाँ जा रहे हो हैं? मैं बिलाल भाई बिल्कुल मेरे ऊपर ही आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। बेताल 25 ही याद आ गई मुझे, विक्रम बेताल, दोनों हथेलियाँ दोनों साइड से लाल हो गई पूरी, इतना प्रेशर पड़ रहा है ना हद से ज़्यादा। नाम देना यहाँ पे, एंट्री करानी है क्या? थोड़ा साइड, अच्छा साइड कर लेता हूँ मैं। ओके तो ये कोई चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री करानी पड़ेगी। इस वाली चेक पोस्ट से मारवा की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाती है, बता रहे कि थोड़ी सी दूर मारवा विलेज है, और अभी तक ऐसा कुछ मीडो वगैरह तो नज़र आया नहीं, हालांकि रोड काफ़ी ख़राब थे जहाँ से हम आए हैं, और ये जो नदी है बिल्कुल साथ साथ हमारे चले जा रही है जब से हमने स्टार्ट किया है। देखते हैं मारवा कैसा है, पहुँच गए शायद वोरा। लोग बोलते हैं कि कश्मीर में ही आर्मी है, नहीं जी ये जम्मू वाला एरिया है, पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चेकिंग वगैरह होती है। सो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं मारवा वैली और मारवा विलेज, यही है मारवा, और मुझे तो लगता है पहली कोई सुपर बाइक या फिर एडवेंचर बाइक होगी यहाँ पर आने वाली शायद। दो मस्जिद, तीन मस्जिद, ओ भाई साहब ये कहाँ आ गए, ये देखो काफ़ी बड़ी जगह है ये तो, अगर किसी को रहना हो तो कोई नहीं है ना, ये यहाँ की मेन मार्केट है। ओके दुकानें देखो यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, ये क्या मॉल बन रहा है अब? हैं जगह के फेयर लिखे हुए हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाओगे तो उतना पैसा लगेगा। हेलो हाय, अरे यहाँ पे क्या हाल, मैंने आपकी सारी देखिए, अच्छा बस बढ़िया। अकेले हो? हाँ मैं अभी अकेला हूँ, ये भाई साथ में आया बिलाल वारवान से। हाँ कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी वारवान, टाइगर देखी मैंने, सोचा आप ही होंगे। अच्छा तो सारे वीडियोस देखे मेरे, क्या बात है, यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं, फिर कैसे देखते हो? मैं कश्मीर में। अच्छा कश्मीर से हो, कोई यूट्यूबर वगैरह आया है अभी तक? कौन आया है? लोकल जम्मू के ही आए होंगे है ना ज्यादातर, ऐसे भी चढ़ सकता है? नहीं 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 ऐसा तो जैसे भी थोड़ी ना है जो ऐसे चढ़ जाएगा, बाइक है नहीं फिर भी पावरफुल। हाँ थोड़ा तो पावरफुल है, जो नेटवर्क की बहुत कमी है, लेकिन अभी फाइबर, हाँ फाइबर तो देखा मैंने, लाइन डल रहा है अभी। हाँ सर, लेकिन अभी कनेक्टिंग नहीं हुआ इलाके के साथ, वो तो हो जाएगा, अब देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। मेरे को लगता है कि बहुत ही कम लोग आते हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जियो की जो फाइबर लाइन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, तो वो मेरे ख्याल से 2-3 महीने के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, तो काम भी चल रहा है रोड का, तो वो भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। देखो रोड का काम ऐसा है कि टाइम लगता है थोड़ा सा हर जगह, अब जाके जो लद्दाख वगैरह के रोड हैं वो जाके अब कनेक्ट हुए हैं, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, क्योंकि मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ तो रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती जा रही है हर जगह, इतना तो है। देखो वारवान तक भी रोड आया है। चलो जी यहाँ पर कुछ भाई लोग मिले जिन्होंने अपने इलाके की मुझे थोड़ी सी जानकारी दी, और ये है यहाँ की मारवा की मार्केट है मेन, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाइक खड़ी करी थी तो उसके बाद भीड़ लग गई है यहाँ पर, तो मेरे को लग रही है भूख, तो बिलाल भाई कहाँ भाग गए हमारे, वो चले क्या बिलाल भाई आगे कुछ खाते हैं पहले, है ना? तो शिकायत यही है कि डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यार मैं देख रहा हूँ कि कोने कोने में हर चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रही हैं। कुछ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो लद्दाख और स्पीति के हैं जो बिल्कुल ही रिमोट है, तो ऐसा होता है हर जगह होता है, धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर देखो दुकानें भी हैं, सारी चीज़ें हैं। सी किधर जाना है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ये रहा ये रहा, पूछो एक बार क्या क्या है, अपनी भाषा में पूछो कश्मीरी में।
बिरयानी खाओगे? हाँ चलेगा। दाल चावल खाना, क्या खाना है जो मर्जी ले, दाल चावल ले लो, चलो बोल दो। दाल और चावल, तीन दिन से यही खा रहा हूँ, दाल और चावल। वहाँ तो दूसरी है। हाँ वहाँ दूसरी है, दाल राजमा वाली थी वो बढ़िया थी वैसे। यहाँ पर है शाही पकवान रेस्टोरेंट, अंदर कुछ लिखा हुआ है वो देखो बोर्ड पर देखकर मैंने आपको बताया। बाकी दाल और चावल यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो हर जगह यहाँ पर दाल चावल का चलन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग दाल चावल यहाँ पर खाते हैं, रोटी बहुत ही कम लोग खाते हैं, तो हर जगह दाल चावल अवेलेबल हो जाता है। तो अभी सतरवागन जा रहे हैं, वहाँ से बता रहा भाई कि मारवा वैली का पूरा नज़ारा नज़र आएगा। मेरे ख्याल से गाँव का नाम होगा सतरवागन। अच्छा सतरवागन, ये तो गांव में घुस गए हम, नहीं है आगे नज़ारा देखो पूरी वैली का, मारवा वैली यहाँ से पूरी नज़र आएगी आपको। एक सेकंड उतरो, सी हाँ ये नज़ारा कुछ अच्छा लग रहा है देखो। सो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा है ये, देखिए मारवा वैली का यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से अगर इस पहाड़ को क्रॉस करेंगे, पैदल लोग जाते हैं, किश्तवाड़ निकल जाते हैं, ये वाला जो पहाड़ है। और ये नदी कौन सी है? ये आगे चिनाब बनती है तो। और अभी यहाँ पे क्या नाम है इसका? मारवा, मारवा सर, मारवा नदी। तो विलेज देखो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। और उधर दो पुल, एक पुल वो रहा जहाँ से हम आए हैं, देखो बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं, सी उस पुल से हम आए हैं। तो ये जगह है सतरवागन टॉप। हाँ 1 बजे की स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, 1 बज गया। मारवा वैली भी ठीक ठाक है अगर आप ऊपर से देखोगे तो, हालांकि जो गांव के रास्ते हैं थोड़े से ख़राब हैं, और यहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता आपको ख़राब ही लगेगा। अरे माता 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 चलो तो ये है जी, देख लेना। वैसे वंस इन ए लाइफ टाइम आना तो बनता है, मतलब आप अगर मारवा वैली आ रहे हैं तो देख लेना यहाँ पर आकर भी। हाँ आपका व्हीकल अच्छी कंडीशन में होना चाहिए क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल की अच्छी होनी चाहिए अगर आप कार वगैरह से आ रहे हैं तो। बाकी बाइक तो हर जगह पहुँच ही जाती है, धीरे धीरे करके आप निकल लोगे। तो ये थी मारवा वैली। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जिन भाई लोगों ने नहीं किया हुआ है। और आज का वीडियो मैं वहाँ पर जाकर नहीं एंड कर रहा हूँ, मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जितना था जैसा था आज का रूट वो मैंने आपको दिखा दिया। चलो आज का वीडियो क्लोज करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।